अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टर्किश आर्मी और उनका इक्विपमेंट बहुत ही हाई टेक और बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट यूज करते हैं, लेकिन उनके उसको यूज करने का भी तरीका होता है ना, कि अगर आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं और कितना आप में बहादुरी भी है और कितना आप में जज्बा भी है, तो वो भी भरपूर है टर्किश आर्मी में। अभी हमारे पास जो वीडियो आई है उसमें जो टर्किश आर्मी पैराग्लाइडिंग करती है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए उनके पास सिमुलेटर्स भी मौजूद हैं, जो कि हम लोग बड़े हैरान हुए कि पैराग्लाइडिंग के सिमुलेटर्स कैसे होंगे। तो फौरन चेक करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसी है और उसमें क्या दिखाया गया। इसका VR ग्लासेस के साथ उसको प्रॉपर फील करेंगे, फील करेंगे और मुझे लगता है ट्रेनिंग्स हैं ये। नाइस, ये तो अच्छी चीज है। अगर आप उसको पहले से इतनी प्रैक्टिस करके जाए तो आपको पैराग्लाइडिंग में मसला ही। तो पूरा प्रॉपर है उसका वो। हां ये ओ बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये भी। और इसमें यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि इसको तमाम वेदर्स के लिए भी आपको फील दे सकते हैं, आपका तमाम ग्राफ भी उनके पास रिकॉर्ड होता है कि आप किस किस वेदर में किस किस चीज़ में आप कैसे लैंड कर रहे हो, कितना आपको टाइम स्पेंड लग रहा है, कितनी हाइट से कितने आपको वो फील होती है, प्रेशर फील होता है हवा का, कितनी हवा में, यानी कि सारा कुछ ही आपको एक मशीन बता रही है। हाँ। जो आप जाके आप जो जब आप जंप करेंगे तो आप फील करेंगे बेसिकली उन सिनेरियोस के अंदर। हाँ। तो यानी कि आपको सब कुछ पहले से पता है, जंप करने से पहले से पता है। हाँ। कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्यों फिर? हाँ बिल्कुल, मैं भी तेजी वाली बात करूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है। और यानी कि आपको जो भी आप महसूस करते हो, कोई थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत भी डर या फिर कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज़ की, या आपको पता नहीं लगता है कि आपने किस तरीके से लैंड करना है या कोई भी वेदर, तो अमेजिंग ये चीज़ जो है, ये जो इक्विपमेंट है ये आपको मेंटली और फिजिकली पहले से तैयार करके, बेसिकली ज़्यादा मेंटली में काम होता है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर करके भेजेगा कि हाँ जी ये सिनेरियोस हो सकते हैं और आप इस तरह कर सकते हैं। अमेजिंग, बहुत मशीन बेसिकली फिजिकली भी आपको ट्रेन कर रही है, यानी कि आपको हर चीज का प्रेशर फील हो रहा है ना। वो बता रही है इतनी अगर हवा चलेगी, अगर आपके पैराशूट में मेल फंक्शन हो जाएगा या आपके ये सिनेरियो, यानी कि तमाम सिनेरियोस को वो आपको बता रही है कि आपको क्या क्या फील हो सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर कैसे झटके फील होंगे, किस तरह से आपकी बॉडी आपको आपके साथ रिजिस्ट करेगी। हाँ, कैसे हवा का दबाव होगा, वो सारा कुछ। उसके अलावा फिर आप उसमें लैंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और रात के टाइम स्पेशली, रात के टाइम लैंडिंग करना, बारिश करना,
बारिश भी इतनी खतरनाक नहीं, इतनी रात खतरनाक होती है, हाँ क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं चलता कि आपने बेसिकली लैंड कहाँ करना है, आप कितनी ऊंचाई के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि जब फौजी किसी रात के टाइम कहीं पे लैंड करते हैं तो उनको सरफेस नज़र नहीं आ रहा होता, सब सारा कुछ इक्विपमेंट के बलबूते पे होता है, तो उनको पता होता है कि हमारी कितनी हाइट हो गई है, उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि नीचे क्या चीज़ होगी, हम हाँ पानी में लैंड कर रहे हैं, हम लोग किस पे किसी चट्टान पर लैंड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको इक्विपमेंट से देखनी पड़ती हैं, और वो भी इक्विपमेंट क्लियरली उनको बता रहा था कि रात में आपने कैसे लैंड होना है और आपने कैसे अपनी इंफ्रारेड चीज़ें और ये बीम्स वगैरह यूज़ करनी है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो हाँ थी, थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।